खेत में भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेती करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मादक पदार्थों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने संबंधित दिशा निर्देशों के पालन में खरगोन पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने के निर्देशानुसार भिकन गाँव अनुविभागीय पुलिस प्रदीप सिंह राणावत के निर्देश पर 22 तारीख को पुलिस थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पोकर खुर्द में आरोपी लक्ष्मण पिता थान सिंह जाति भिलाला उम्र 38 वर्ष को ग्राम पोकर खुर्द के खेत में कपास की फसल के बीच में अवैध गांजे के 109 पौधे लगा रखा था, जिसके पास से कुल वजन 95.660 किलोग्राम कीमत 4,85,000 रुपए की जब्त किया गया है। आरोपी पर अपराध क्रमांक 53/18 धारा 8/20 NDPSA CT एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने भिकन गांव पुलिस थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार एवं पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। चल भाई आगे आजा आजा। तो अकेले ये कि सब तीन चार जन मिलके करते थे? अकेला करता, हमारा भाई है, हमारा छोटा है, हम तो अलग है। तो तुम क्या तमाशा देखते थे? तुम ये जो कपास की खेती जो होती है, तो हमारे एसपी साहब का ऐसा आदेश था, कल्याण चक्रवर्ती साहब का, कि कपास की खेती में आमतौर से गांजे की फसल उनके बीच में छिपा कर बोई जाती है। अभी फिलहाल शासन मध्यप्रदेश शासन के भी ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो हमारे भिकन गांव के TI साहब श्री हाकम सिंह पंवार के द्वारा अच्छी कार्रवाई यहाँ पर संपादित की है। अभी मुखबिर से सूचना मिली थी इनको कि ग्राम पोखर खुर्द में एक लक्ष्मण बिलाला ने अपने खेत में गांजे की फसल बोई हुई है। इस सूचना पर अपनी टीम के साथ जाकर एक बहुत अच्छा एफर्ट हमारे यहाँ से हुआ है और हमने लगभग 95 किलो 660 ग्राम गांजे के पौधे जो उस खेत में उगा रखे थे, जो 109 नग थे, 109 नग गांजे के पौधे में से जिनका वजन 95 किलो 660 ग्राम है, वो हमने मौके से जब्त किए हैं। आरोपी लक्ष्मण बिलाला को हमने गिरफ्तार किया है। NDPS की धाराओं में अपराध 8/20 में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अब हम उससे बात करेंगे कि वो ये गांजे की फसल कैसे बोता था, किसके कहने पर बोता था, वो जो गांजा होता था वो गांजा किन किन को वो सप्लाई करता था। सर यहाँ पर अभी जो कीमत उसकी आकी गई है, तो क्या कीमत आकी गई है? ये इसकी कीमत आमतौर से लगभग 5 लाख के करीब इसकी कीमत है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में तो ये कीमत आपकी 5 टाइम्स हो सकती है, मतलब लगभग 25 लाख के करीब इसकी कीमत हो सकती है।